हेलो फ्रेंड्स, तो मैं एक मार्केट से फोटो फ्रेम लेके आई जिसका साइज 13 सेंटीमीटर टू 45 सेंटीमीटर था। इसमें मैं अपनी पेंटिंग लगाऊंगी। मैंने इसे ओपन करना शुरू किया तो मुझे लगा कि बहुत इजी है, इजीली ओपन हो जाएगा, लेकिन इतना भी इजी नहीं था। मुझे नाइफ की हेल्प लेनी पड़ी। तो आप मेरी पेंटिंग देखिए और मुझे बताइए सबसे अच्छी पेंटिंग कौन सी थी। ये मंडाला आर्ट थी, ये अर्थ पॉल्यूशन की थी, ये भी मंडाला आर्ट है, ये भी एक कलरफुल मंडाला आर्ट है, और ये चारकोल पेंसिल से बनाई है मैंने, बियर और ग्रेप्स। तो मैं ये बियर वाली लगाऊंगी, चारकोल पेंटिंग लगाऊंगी। बाकी आप मुझे बताइए कि आपको मेरी सबसे अच्छी पेंटिंग कौन सी लगी। तो मैंने इसे लगाने के बाद एक बार रीचेक किया तो जो मेरा शीट थी, A3 शीट थी, वो छोटी थी और फ्रेम थोड़ा बड़ा हो गया था, मतलब बड़ा आ गया है। तो मैंने इसको कवर करते हुए एक और शीट लगाई और मैंने इसको पैक कर दिया। थोड़ा सा नीचे वाइट वाइट पेपर दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना ऑकवर्ड भी नहीं लग रहा था। कोई बात नहीं, हम दूसरा फ्रेम लेके आएंगे इसके लिए। बाकी आप मुझे बताइए कि मेरी पेंटिंग कैसी लगी, आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर हमने इसका रैपर उतारा और हमारी पेंटिंग रेडी हो गई। बाकी आप देख सकते हैं अच्छा लुक आ रहा है इसका, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी मैंने इसे बेड साइडर पर रखा हुआ है, बाकी मैं इसे वॉल पे लगाऊंगी और फिर भी आपको दिखाऊंगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।